समय में पीछे झांककर कौन नहीं देखना चाहता। हर कोई यही सोचता है कि काश मैं अपने अतीत को देख पाता। अपने पूर्वजों को देखने की इच्छा सभी की होती है। हम सभी अपने सबसे हसीन पलों को दोबारा से देखना चाहते हैं, लेकिन क्या यह संभव है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या हम अपने बीते हुए कल को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने अतीत को देखना भौतिक के नियमों की मदद से संभव किया जा सकता है। कि आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि आसमान में बिजली कड़कते समय हमें बिजली पहले दिखाई दे जाती है और उसकी आवाज़ हमें कुछ सेकंडों के बाद सुनाई देती है, जबकि बिजली की ध्वनि और उसका प्रकाश एक समय ही उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आसान सा है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत धीमी होती है, इसलिए ध्वनि हमें कुछ सेकंडों के बाद सुनाई देती है। इसका मतलब जो आवाज़ हम सुनते हैं वो अतीत में पैदा हुई आवाज़ है। इससे हमको यह पता चलता है कि हम अतीत में पैदा हुई ध्वनि को सुन सकते हैं। चलिए अब हम प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश के बारे में हमें एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है, और वो है हम किसी भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं। क्योंकि उस वस्तु का प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है। इसका मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रकाश की भी एक निर्धारित गति होती है। प्रकाश को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ समय लगता है। भले ही प्रकाश के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के समय के अंतर को हम पृथ्वी पर गौर नहीं कर सकें, लेकिन अगर दूरी लंबी की जाए तो प्रकाश के इस अंतर को भी गौर किया जा सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में 8 मिनट और 16 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब जो सूर्य हम देखते हैं वह 8 मिनट पुराना है। क्योंकि कोई भी वस्तु हमें जब नज़र आती है जब उसका प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचे। इसका मतलब जो सूर्य हम देखते हैं वह उसकी 8 मिनट पुरानी इमेज है, और इस प्रकार हम अतीत का सूर्य देखते हैं। यह तो बात हमारे सूर्य की हुई, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जो रात में हम सितारे देखते हैं वो वाकई में मौजूद हैं या नहीं? क्योंकि वह हमसे हजारों और लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब प्रकाश भी उन सितारों से चलकर हम तक पहुंचने में लाखों साल लगा देता है। तो वह सितारे जो हम रात में देखते हैं वह उनकी हजारों और लाखों साल पुरानी इमेज है। हो सकता है उनमें से बहुत से सितारे अभी हों ही नहीं। चलिए अब इस प्रिंसिपल की मदद से हम समझते हैं कि हम समय में पीछे कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना होगा जो कि हबल टेलीस्कोप से भी हजारों गुना बेहतर हो। वह टेलीस्कोप इतना बेहतर होना चाहिए कि वो हजारों और लाखों प्रकाश वर्ष की भी दूरी से हमारी पृथ्वी को देख सके। चलिए अब इस टेलीस्कोप की मदद से हम पृथ्वी को सूर्य के सबसे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी से देखें, जो कि हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर है। तो जब हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी से पृथ्वी को देखेंगे तो वह हमें 4 साल पुरानी दिखेगी। मतलब हम पृथ्वी पर वो चीज़ें दोबारा से देख पाएंगे जो 4 साल पहले हो चुकी हैं, क्योंकि टेलीस्कोप की दूरी पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष है, इसलिए हमें पृथ्वी 4 साल पुरानी नज़र आएगी। लेकिन अगर टेलीस्कोप की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए अगर हम उसकी दूरी को 1000 प्रकाश वर्ष कर दें। तो अगर दूरी 1000 प्रकाश वर्ष कर दी जाए तो हमें पृथ्वी पर वह चीज़ें दिखेंगी जो कि 1000 साल पहले हो चुकी हैं। लेकिन अगर उस टेलीस्कोप को कोई ऐसे सितारे पर भेज दिया जाए जो कि हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर है तो क्या होगा? तो हो सकता है हमें डायनासोर भी दिख जाएं। तो जैसे जैसे हम टेलीस्कोप की दूरी बढ़ाते जाएंगे हम समय में उतना ही ज़्यादा पीछे देख पाएंगे। तो इस तरह से हम समय में पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों, सुनने में यह जितना आसान लगता है इसको करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा टेलीस्कोप जो कि लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी से डेटा ट्रांसमिट कर पाए उसे बनाना हमारे लिए सिर्फ एक कल्पना ही होगी। और चलिए अगर हम उस टेलीस्कोप को बना भी लेते हैं तो उस टेलीस्कोप को लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर भेजना हमारे लिए असंभव होगा,
क्योंकि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चीज यानी कि प्रकाश, प्रकाश को भी वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। तो हमारा वहां पर पहुंचना असंभव होगा। लेकिन चलिए, अगर हम फ्यूचर में वॉर्महोल्स का प्रयोग करके वहां पर पहुंच भी जाते हैं तो हमारे ब्रह्मांड में लाखों ग्रह हैं, और उस टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी को उन ग्रहों में से खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन दोस्तों, आज साइंस बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। फ्यूचर में साइंस कुछ भी कर सकता है। हो सकता है फ्यूचर में हम समय में पीछे देखने के इस तरीके पर भी जीत पा लें, और अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी पृथ्वी से जुड़े तमाम ऐसे राजों को जान पाएंगे जो कि अभी तक हमारे लिए अनसुलझे हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, या फिर डायनासोर से जुड़े अनसुलझे रहस्य। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समय में पीछे देखने का मौका मिला तो आप क्या देखना चाहोगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।